मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेसियों को वोट मांगने में लज्जा नहीं आती। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के कन्नौज में होली मिलन समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। देवड़ा ने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूँ, पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भाजपा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी निष्ठा के साथ हम काम करेंगे। हर बूथ पर कमल खिलाकर केंद्र में 400 प्लस सीटें वाली राष्ट्रहितैषी भाजपा सरकार इस बार बनेगी। देवड़ा ने कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि 60 साल में कांग्रेस ने देश को क्या दिया, देशवासियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं की गई। देवड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि वोट मांगते समय इन कांग्रेसियों को लज्जा क्यों नहीं आती। अगर 7 मई तक हम लोग रुक गए तो मानकर चलिएगा कि हमारा 400 पार का सपना अधूरा रह जाएगा। इसलिए मोदी जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार और हर बूथ से 370 वोट हमको। आज मैंने अपील की है कि 7 मई को मतदान होगा। कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी वोटों से चुनाव जिताकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार मोदी सरकार के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में हम स्थापित करेंगे और निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा। इसी संकल्प को लेकर के आज यहां पर होली मिलन समारोह हुआ है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि हम भारी वोटों से चुनाव जीता करके भारतीय जनता पार्टी को विजयी करवाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।